प्रदेश सरकार ने हरिद्वार में कुंभ में अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखने का अनुरोध किया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में केंद्र सरकार के निर्देशों के मद्देनजर अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आगामी फरवरी माह के पहले हफ्ते में बात कर सहयोग की अपील करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर से हरिद्वार में कुंभ को लेकर SOP जारी की जा चुकी है। मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखने और इसकी समय अवधि कम करने पर जोर दिया है। कोरोना संक्रमण के लिहाज से राज्य सरकार को सख्त हिदायत भी दी गई है। केंद्र की सख्त निर्देशों के बाद अब राज्य सरकार जल्द कुंभ को लेकर SOP जारी करने की तैयारी में है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने केंद्र सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों से कुंभ में सहयोग मांगा है। उन्होंने श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखने को कहा है। मुख्य सचिव के मुताबिक कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन नहीं चलाने का आग्रह रेल मंत्रालय से किया जाएगा। राज्य सरकार मंत्रालय को उक्त संबंध में अनुरोध पत्र भेजेंगे। मुख्य स्नान से भी एक दिन पहले स्पेशल ट्रेन नहीं चलाने की पैरवी भी की जा रही है। इस संबंध में मेलाधिकारी से घाटों पर श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या के संबंध में ब्यौरा देने को भी कहा गया है। मेलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार हर दिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित करेगी। संकेत ये भी है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अपनी SOP के प्राविधान कड़े कर सकती है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।